कई महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही है, बैठकों का शेड्यूल किस तरीके का है? देखिए अभी हमारी बैठक जो होगी जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जो इलेक्शन के इंचार्ज बनाए हुए थे वो, और उसके साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, और जिसमें हम पंचायती राज चुनाव और आगामी जो है आदमपुर चुनाव की चर्चा करेंगे। अभी सेवा पखवाड़ा बीता है, उसकी रिपोर्ट भी लेंगे। इसके बाद दोपहर बाद हमारी 3 बजे से जो हमारी चुनाव समिति होती है उसकी बैठक होगी, और आदमपुर की टिकट का और चुनाव सिंबर पर लड़े या नहीं लड़े जिला परिषद के, क्योंकि पहले 3 पर तो हमने पहले ही कहा है, उसका भी फैसला उसमें करेंगे। और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री और प्रभारी जी के साथ हमारी एक छोटी टोली की बैठक भी होगी। तो आज 3 तरह की बैठकें हैं और जो दिन भर चलेंगे। सर मेरे आपसे 2 सवाल है, सिर्फ आदमपुर उपचुनाव की बात करें, क्या आज हरियाणा के स्तर पर नाम तय कर लिया जाएगा, पैनल बना लिया जाएगा, क्या संभावना है? 1 नाम भेजा जाएगा, ऊपर 2 नाम भेजे जाएंगे, भव्य होंगे, उनके पिता होंगे? बैठक होने के बाद जो मैं वो आपको जानकारी दे देंगे। पंचायत चुनाव को लेकर क्या लगता है सर, क्योंकि पंच सरपंच ब्लॉक समिति तो आप लड़ने नहीं जा रहे, जिला पार्षद पे सस्पेंस है, वो सस्पेंस फैसला चुनाव समिति में ही होगा। इस विषय पे जो भी राय आ रही है वो सबके सामने रखेंगे। फैसला कर लिया जाएगा? हाँ, आज फैसला कर लिया जाएगा। ये धनखड़ साहब खास बातचीत के, धनखड़ साहब का यही कहना है कि जो आज बैठकें होने जा रही है पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर होगी, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से आज अंतिम फैसला कर लिया जाएगा, और जो कहीं ना कहीं जो आज की बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकूला।